हेलो एवरीवन, एंड आज जो मैं प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दैट इज़ अ हेयर वेवर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम अर्बन योग। ये मैंने रिसेंटली बाय किया है एंड मेरे पास और भी वेवर है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, जो भी वेवर्स मार्केट में अवेलेबल है क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है। अगर आप वेगा की मान लो, उसका भी रिव्यू अच्छी नहीं है। बट ये जो वेवर है, इसकी प्राइस जो है 1900, मतलब 2000 के अंदर ही इसकी होगा प्राइस, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है। मैंने इसे खुद यूज़ किया है, आज की जो हेयर स्टाइलिंग है इसी से क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसी है। मैं सीधा डेमोन्स्ट्रेशन में जाती हूँ। हेयर पर मैंने ऑलरेडी हेयर यू नो प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया बीवलांट का। अभी मैं आपको इसे ऑन करके दिखाती हूँ। ये जो है ना, बहुत अच्छी मुझे जो लगी है दैट इज़ इसमें डिजिटल डिस्प्ले है। अभी ऑफ दिखाया आपको प्लग इन करने के बाद। अभी इसका जो प्री सेट टेम्परेचर है 130, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो प्लस माइनस स्विच से। तो 180 तक आप इसकी यू नो टेम्परेचर को हाईएस्ट कर सकते हो। एंड इस तरह से सिंपली जैसे क्रीम पर यूज़ होता है ना, उस तरह से ही आपको यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, बट हाँ, पूरी आपकी हेयर, अगर आपकी हेयर लेंथ मेरी तरह है, पूरी हेयर को आपकी वेव करने में मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेगा एंड वर्क बहुत ही अच्छी करती है ना। मैं आपको यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। एक एक स्ट्रैंड पर मैंने आई थिंक 20 सेकेंड तक इसे यूज़ किया है। अगर आपको और भी अच्छी वेव चाहिए, डीप वेव चाहिए कर्ल टाइप का, तो आप एक एक स्ट्रैंड पर थोड़ा देर इसे यूज़ कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट और भी अच्छी मिलेगी। तो मैं 2-3 स्टैंड पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रही हूँ। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी वर्क करती है। इसकी जो टिप है आप देख सकते हो, यू नो अलग मटेरियल से है, तो आप वहाँ पर भी इसे होल्ड कर सकते हो। कूल टिप है। ऑल्सो इसमें स्टैंड भी दी हुई है, जहाँ पर भी आप इसे यूज़ करो तो आप टेबल पर उसे स्टैंड करके भी रख सकते हो। एंड एक साइड पर मैंने आपसे बात करते करते वेव कर लिया, आप डिफरेंसेस भी देख सकते हो। एंड दूसरी साइड पर भी मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है गाइस क्वालिटी में। जब से मैंने इसे बाय किया है 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ। आप हेयर को थोड़ा सा कॉम करके और भी वेव को लूज़ कर सकते हो, जिससे हेयर और भी ज़्यादा बाउंसी वेवी हो जाएगी एंड हेयर पर अलग एक चमक भी आ गई। एंड ये स्टे करेगी आपकी नेक्स्ट हेयर वॉश तक। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा हेयर पर हेयर स्टाइलिंग कर लिया। आप जैसे चाहो इसे स्टाइलिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट गाइस गारंटीड बहुत ही अच्छी है, आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको हेयर स्टाइलिंग पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे बाय कीजिएगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है गाइस। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।